इंजीनियर पोखरी का बिल पास करवाने के लिए आते हैं खाली, बोलिए बात काहे नहीं करते सर, बात कीजिए बात काहे नहीं कर रहे, भाग कहाँ रहे आप, आप कहाँ भाग रहे हैं? देखिए इंजीनियर साहब भाग रहे हैं, पोखरी देखा, पोखरी का गंदगी दिखा रहे हैं, भाग रहे हैं। जी अभी आप जो सुन रहे थे ये कचहरी पोखर वार्ड 41 के साधारण जनता ने नगर निगम के एक कर्मचारी जिनका नाम सौद बाबू है उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि छठ पूजा कल से शुरू है और पोखर की सफाई पूरी तरीके नहीं से हुई। वहीं दूसरी तस्वीर हमने आपको गंगा सागर पोखर का दिखा जहां मछली मरा हुआ है घाटों के किनारों के बगल में और पानी महक रहा है, लोगों ने वहां भी आक्रोश दिखाया है और यहां पे नगर निगम के जो वादे हैं पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रहा है, लोगों में काफी गुस्सा है। कई चैनलों पर इस तरह की खबरें चल रही है, हम आपको पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ गंगा सागर का भी और कचहरी पोखर पे लोगों ने क्यों उनको इतना देर तक रोका, उनके साथ किस तरीके से उनको रोकने के बंधक बनाने की कोशिश की गई, उसपे भी गौर से आपके तस्वीर दिखा रहे हैं। दरभंगा समाचार में सबसे पहली ये तस्वीर, ठीक है। और मैं इस पोखर में 3 साल से हम लोग लगे हुए हैं, पार्षद के तरफ से कोई हेल्प नहीं है और इंजीनियर के द्वारा कुछ बोलते हैं या ठेकेदार जिम्मेदार को बोलते हैं, जिम्मेदार रिस्पॉन्स नहीं लेता है। और सबसे बड़ा पार्षद के किसी भी तरह का बात हम कहने जाते हैं तो पार्षद कहता मेरे बस की बात नहीं है जो हम, और इससे पहले 1 साल पहले आपके मीडिया के माध्यम से इन्होंने चैनल न्यूज बना था तो उसके माध्यम से कुछ हद तक पोखर में साफ हुआ है, मगर इस बार न्यूज के माध्यम से नहीं बना तो अभी इंजीनियर से आया था, इंजीनियर को पब्लिक लोग पकड़ लिया और कहा गया कि बताइए इसमें कितना कदे लगा हुआ, कितना गंदगी है और इसमें कोई आदमी जाएगा अगर गिर जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो क्या नगर निगम की तरफ से सफाई नहीं किया गया? नहीं, कोई सफाई नहीं किया गया और नगर आयुक्त के द्वारा हमने फोन किया, नगर आयुक्त बेचारा उनको सॉल्व किए, आधा घंटा के अंदर जेसीबी भेजा गया, पार्षद के द्वारा जेसीबी को भेजा दिया गया। इस सामने का नगर देख लीजिए कितना कचरा फेंका, उसके लिए जेसीबी के लिए हमने पटाया गया नगर निगम की तरफ से। जी चूना पटाया गया, चूना थोड़ा सा पटाया गया है और मिट्टी का जो है मिट्टी नहीं गिराया गया। क्या कारण है जो पानी यहाँ पूरा हरा है या गंदा बना, पूरा गंदा बना हुआ है? क्या कुछ आवश्यकता जो साफ, बहुत ज्यादा आवश्यकता है इसमें जो है मतलब सफाई किया जाए और उसमें जो है कम से कम जो केमिकल हो उसे सफाई की मांग किस से आप करना चाहेंगे? हम नगर आयुक्त से कहते हैं, पार्षद सुनने वाला नहीं है, नगर आयुक्त से कहते हैं थोड़ा आकर इस पोखर का निरीक्षण कर ले। कौन पोखर है ये? कचहरी पोखर बाकरगंज वार्ड नंबर 41। कौन सा मोहल्ला में? बाकरगंज कचहरी पोखर वार्ड नंबर 41 है। क्या नाम आपने? मेरा नाम ओम शंकर हुआ। पूरा चारों बगल मछली पूरा मरा है, ठीक है, कोई सफाया नहीं हुआ। कैसे बोले सफाया नहीं हुआ? क्या पूरे हर जगह हम लोग वहाँ पे घाट है, पूरा मछली मरा दिख रहा है, जो मछली वही नहीं बोले। ये मछली क्या लग रहा है, पानी में कुछ सफाई के लिए दिया उसी के लिए मर गया या पहले ये से? तो नहीं पता, मगर मछली बहुत मरा, सफाया होता है फिर से मतलब सही से साफ से कोई कर नहीं रहा, सफाया कोई ढंग से नहीं हो रहा। अच्छा ये आसपास में पानी ये आपको दिख रहा है, देखिए सफाया लग रहा है, कोई भी चीज सफाया नजर आ रहा है आपको, दिखी ना पहले। अच्छा तो यहाँ पे जो नगर निगम के कर्मचारी सफाई करने हैं तो आपने उनको क्या बोला? एक्चुअली हमको उनसे मुलाकात किसी नहीं हुआ, ना वहाँ भी हुआ ना चारों बार हम लोग गए तो अपना हम लोग का घाट यहीं पे, ठीक है। अच्छा वहाँ भी कुछ ऐसे गिनाया, ठीक है, आता है लोग कैसे कैसे चल जाता है, वार्ड पार्षद को नहीं बोले शिकायत? कोई काम का नहीं है उसे, कोई काम का नहीं, सिर्फ आता है झूठ, उसे कभी सकलों नहीं देखे अभी तक, कोई चेकिंग नहीं दिया, वो नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया आलोक कुमार। आलोक कुमार जी कौन सी पोखर है, कौन सी घाट है? गंगा सागर उदमगंज है, गंगा सागर ये आता है बटेरी सागर रोड में आता है। 40 कर्मचारी पोखर है, हम लोग का यही है कि साफ सुथरा है, छठ बार 3 साल से छठ नहीं हुआ है, इसमें हम लोग नहीं किए हैं, अपना ईटा घेर घेर के अपना प्लास्टिक व्लास्टिक लगा के छठ करते थे 3 साल से, इस बार नहीं हुआ तो कुम्मी जो पूरा लगा हुआ था हम लोग खुद पैसा दे के कुम्मी निकलवाए हैं। अभी आपको क्या समस्या है? अभी समस्या यही है कि क्या आप इस पोखरी में छठ कर सकते हैं, लेडीज जा सकती है? गंदगी क्या कुछ इसमें है? पूरा कीचड़ है, प्लास्टिक है, शीशा है, बहुत सारा कुछ है इसमें, गंदगी है। चूना पटाया गया नगर निगम की तरफ से? हाँ चूना पटाया गया, उसी कचरे के ऊपर चूना पटाया गया। और कुछ क्या कमी है जिसको यहाँ ठीक करने का? पोखर साफ करने का एक रिबन भी लगाया है तो देखिए आप, साटन कपड़ा का रिबन काट के लगाया, आगे गड्ढा भी बहुत, पूरा पानी में कदे लगा हुआ, पूरा हरापन है, प्लस आप जो टेंडर हुआ इसका भी कोई सलूशन है, साफ सुथरा नहीं हो रहा 3 साल से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ। कहाँ के निवासी हैं? यही। आप बोलिए 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 इंजीनियर बनते हैं मोहल्ला का, इंजीनियर पोखरी का बिल पास करवाने के लिए आते हैं खाली, बोलिए पोखरी साफ हुआ है? इधर सुनिए ना, बात काहे नहीं करते सर, बात कीजिए ना हमसे, बात कीजिए बात काहे नहीं कर रहे, भाग कहाँ रहे आप, आप कहाँ भाग रहे हैं? देखिए इंजीनियर साहब भाग रहे हैं, पोखरी देखा, पोखरी का गंदगी दिखा रहे हैं, भाग रहे हैं। देखिए ऐसे पोखरी का साफ किया जाता है, देखिए रिबन लगा दिए हुए हैं और बोल रहे हैं कि वो कर रहे हैं तो बोले करने के लिए, शिकायत करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, और ये बोले
बोल रहे हैं तो बोलता है कर दीजिए शिकायत, यही इंजीनियर साहब कर रहे हैं और बोल रहे हैं तो वीडियो में आइए तो भाग रहे हैं, भाग रहे हैं वीडियो में, देखिए कैसा कचरा पूरा, देखिए पूरा कैसे कचरा किए हुए हैं, देखिए तो यही सब साफ किए हुए हैं, देखिए तो पोखरी का क्या गंदगी किए हुए हैं, बोलते साफ करें बिल पास करवाने के लिए खाली आते हैं, खाली भाग रहे हैं, देखिए यही है इंजीनियर साहब यहाँ के पोखरी के, आइए आइए इंजीनियर साहब कहाँ जा रहे हैं बताइए ना, क्या करते हैं आप बताइए, क्या कर रहे हैं बताइए, ए लड़का इधर आ, ओ इधर ही हो सर, ओ सर गाली नहीं बक, गाली नहीं बक, ओ सर सुनिए ना इधर, हाँ इधर आइए ना, एक मिनट बोलिए ना पहले कि हम रिस्पॉन्स हो दादा, बोलिए इनको हम बोल है कि साहब बोल रहे शिकायत कर देने के लिए, शिकायत कीजिए, सीधा शिकायत कर रहे हैं, माने कोई रिस्पॉन्स नहीं, हर साल हम लोग कचरे में छट करेंगे, ये वार्ड कमिश्नर बाबा है मेरे को, हर जगह पोखरी है कि नहीं, हर जगह घाट है कि नहीं, खाली पोखरी के लिए इंजीनियर बन गया, मगर साफ सुथरा कुछ नहीं, आते हैं फोटो खींच लेते हैं बिल पास करवा लेते हैं, यही हुए इंजीनियर साहब, देख लीजिए यही इंजीनियर साहब हुए, यही इंजीनियर साहब हुए, बोलते हैं तो कहते हैं वीडियो बनाइए, और बोलते हैं कि वीडियो बनाइए तो वीडियो बना के वायरल वायरल करेंगे, वीडियो आप देख लीजिए यही पोखरी का हाल है, किसी को काम नहीं है पोखरी पकड़ने के लिए, बादलगंज पोखरी के लिए मर गया साहब, हम लोग पूरा छह महीना से भिड़े हुए हैं, फिर भी लेबर लोग का काम करता है, मनमौजी काम करता है, इस कचरे में आदमी जाकर पोखरी में छठ करने के लिए, हर जगह घाट है कि नहीं है, यही हुए इंजीनियर साहब, खाली फोटो खींचने के लिए आ जाते हैं, बिल पास करवाने के लिए आ जाते हैं, फोटो खींच के नगर निगम में मेयर आई नगर आयुक्त को दे देते हैं, बिल पास करवा लेते हैं, इसे तो पिछले साल साफ था, तो इसे ये देखिए पोखरी का गंदगी यही है, यही है, बोलवाइए किसको बोलवाइएगा, मोहल्ला वाला से भर के हो गया।